morning and welcome to my YouTube channel. Welcome to another sit down video and another haul video. काफी टाइम के बाद एक हॉल वीडियो हम लोग कर रहे हैं. बहुत लोगों को वेट था कि नायका का हॉल कब आएगा, क्योंकि आज तक मैंने इस चैनल पे कभी भी नायका का हॉल नहीं किया है. एंड आई डोंट नो व्हाई आई नेवर डिड दैट, बट आज मैंने इस बार सोच ही लिया था कि मैं नायका पिंक फ्राइडे सेल से काफी सारी चीजें मैंने मंगाई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं एक शेयर करूंगी आपके साथ हॉल वीडियो, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीजें मैंने ली है एंड क्या क्या चीजें यूजफुल है. कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं ली है जो कि यूजफुल नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू गाइज. बट बिफोर स्टार्टिंग द नायका हॉल, वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स हू हैव जॉइंड दिस चैनल. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. एंड फॉर दोस हू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाई, आई एम जो खट्टर एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, fashion, beauty and lifestyle. Make sure you hit the like button, subscribe to this channel and share it with your friends and family so that we all can grow together. And without further ado, let's begin the video. So I've bifurcated this video into four categories, which is face, eyes, lips and miscellaneous things. सबसे पहली कैटेगरी जंप करते हैं विच इज फेस, एंड उसमें मेरे पास है काफी सारे ऑप्शंस आपको शो करने के लिए. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इन दिस हॉल इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सबका फेवरेट हो चुका है आजकल ये ब्रांड, एंड इट इज देयर फेस एंड बॉडी हाइलाइटर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इट लुक्स वेरी अमेजिंग. बॉटल इतनी अच्छी लगती है एंड काफी ज्यादा ऐसे लगता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट आई गेस दिस रिटेल्स फ्रॉम सबका ना प्राइस चैट और ये सब ना मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी. मैं किसी का भी प्राइस टैग इतना पता नहीं है, बट समवेयर अराउंड 250-300 का ही है ये प्रोडक्ट. बहुत ही अमेजिंग बॉटल लग रही है देखने से, एंड काफी ज्यादा ना हाथ में फील होता है कि कुछ एक्सपेंसिव पकड़ा हुआ है, क्योंकि इट्स हैवी, लिटिल बिट हैवी. तो ये कलर मेरे पास नहीं था, ये थोड़ा सा रोज गोल्डिश है. आई सीन लॉट ऑफ पीपल रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट एज वेल एज लैक्मे का एक इल्यूमिनेटर आया अभी ऑफ लेटली. बहुत जन रेव कर रहे हैं उसके बारे में, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया. आई जस्ट बॉट दिस वन. सो जब मैंने नायका से इसको शॉप किया था ना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी बड़ी बॉटल आएगी. इसमें 50 grams ऑफ प्रोडक्ट है, एंड मुझे लगा था कि ये समवेयर आएगा तो मैं इसे छोटू सा पैकेजिंग में कुछ आएगा, बट दिस इज वेरी बिग गाइस. बहुत ही ह्यूज है ये बॉटल एक इल्यूमिनेटर के हिसाब से. एंड 50 grams ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको 250-300 इश में अगर मिल रहा है तो इट्स नॉट बैड, एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है. मैं एक दो मेकअप वीडियोस अब रिसेंटली बनाने वाली हूँ, तो उसमें हम लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे. मैं आपके साथ जरूर इसका रिव्यू शेयर करूंगी, बट दिस इज वॉट आई गॉट माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम नाइन. सो आफ्टर इल्यूमिनेटर जो हमको चीज चाहिए होती है मेकअप में इज फाउंडेशन, एंड दिस इज द मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन. ये मेबलिन का फुल कवरेज फाउंडेशन है. एक आता है मेबलिन का फाउंडेशन विच इज अपना जो मेन फिट मी फाउंडेशन, जो कि बहुत 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 अमेजिंग है. मैं अभी तक उसको यूज करती हूँ, मेरी मम्मी उसको यूज करती है, हम लोग को दोनों को वो फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो ना लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, वेर एज मेरे को एक फाउंडेशन अपने बैग में ऐसा चाहिए था जो कि फुल कवरेज दे, इन केस अगर कभी हम लोग को पार्टीज या वेडिंग्स में कहीं जाना होता है तो एक फुल कवरेज फाउंडेशन हमेशा अपने बैग में होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने परचेज किया था ये, विच इज मेबलिन का सुपरस्टे 24 hours फुल कवरेज फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी, एंड ये मैंने शेड इसीलिए लिया, ये मेरा स्किन टोन का शेड एक्चुअली नहीं है. आई एम 128 वार्म न्यूड, लेकिन मैंने ये इसके लिए लिया क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन. तो अगर आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, मतलब अगर आपका फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश टर्न होता है, सो आप एक शेड लाइटर लो. इसीलिए मैंने इसमें शेड लिया था 120 क्लासिक आइवरी, सो दैट अगर ये ऑक्सीडाइज होगा भी तो ये मेरे स्किन टोन का ही लगेगा. सो या दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई गॉट. सो अब अगर हम फाउंडेशन की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे को आपके साथ शेयर करना था एक ऐसा फाउंडेशन जो कि मैंने अभी परचेज नहीं किया है नायका से, बट ये नायका पे अवेलेबल है एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ. दिस इज दी मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज वेरी 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 अमेजिंग प्रोडक्ट. बहुत अच्छा कवरेज है इसका. इट्स अ ड्यूई फाउंडेशन, मतलब इतना अच्छा ग्लो आ जाता है ना इसको लगा के. जो मेबलिन वाला फाउंडेशन था इट्स प्योर मैट फाउंडेशन, ये वाला है ये एकदम ड्यूई सा लुक देगा. इसको लगाते ही आपके फेस पे ग्लो आ जाता है. इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपके साथ दोनों कैटेगरी शेयर किया जाए, मैट भी एज वेल एज ड्यूई भी. तो ये मेरे को एक्चुअली आया था कोलैबोरेशन में, इसका भी मैंने परचेस नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने सोचा अच्छा वर्क करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, नायका पे अवेलेबल है तो क्यों ना शेयर करूं. एंड आई एम इन द शेड 03 न्यूड ग्लो.
काफी अच्छा फाउंडेशन है, ये भी सेम पंप स्टाइल में ही आता है, इसका भी सेम पंप है एंड दिस रिटेल्स फॉर 599 rupees. सबका प्राइस टैग मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अगर थोड़ा बहुत मेरे को किसी किसी का नहीं भी पता है प्राइस क्या है एग्जैक्ट, लेकिन मैं स्क्रीन पे सबके प्राइस टैग्स डाल दूंगी. तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स का लिंक्स भी चाहिए होगा तो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो. एंड दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, यू ऑल शुड ट्राई दिस वन. सो आफ्टर इल्यूमिनेटर्स एंड फाउंडेशंस, द वेरी थर्ड प्रोडक्ट दैट आई हैव फॉर यू गाइस इज द कंसीलर एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी. बहुत रेव किया हुआ प्रोडक्ट है ये भी एंड बहुत लोगों को पसंद आता है ये प्रोडक्ट, काफी अच्छा है एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है. बट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, दिस इज इन द शेड, आई एम इन द शेड 04, आई गेस ये लाइट है या क्या है पता नहीं, 04 शेड का नेम है एंड दिस इज वेरी वेरी चीप गाइस, इट इज समवेयर अराउंड 200-225 यही इसका प्राइस रेंज है इतना मुझे पता है, पर इसका स्क्रीन पे मैं फिर भी प्राइस टैग डाल दूंगी. बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है एंड एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाता है. मैंने शेड इसका एकदम लाइट लिया है क्योंकि मेरे को हाईलाइटिंग के लिए एक कंसीलर चाहिए था, मेरा हाईलाइटिंग वाला कंसीलर खत्म हो चुका था इसलिए मैंने ये लाइट शेड परचेज किया है कि मैं अंडर आईज या अपना चिन एरिया या नोज हाईलाइट कर सकूं, उसी लिए मैंने इसको परचेज किया है एंड दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट. सो या, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. इसका मैं एक पैन हिट कर चुकी हूँ एंड दिस इज द सेकेंड वन. दिस इज द मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका एंड बहुत ही अच्छा है. मेरे को काफी ज्यादा अच्छा इसका ये लगता है कि जैसे आप इसको लगा देते हो ना, इतने अच्छे से ये सेट हो जाता है फेस के ऊपर एंड आपका फेस को बिल्कुल भी ऐसे चौकी फील नहीं कराता है, जो कि काफी सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स कराते हैं. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स एंड इसके साथ आती है ये फिल्म जो कि इसके ऊपर होती है एंड उसके ऊपर आता है ये स्पंज जो कि जिससे आप अप्लाई कर सकते हो. बट मैं प्रेफर करती हूँ ब्रश से अप्लाई करना, हमेशा मैं कॉम्पैक्ट प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्रश से ही अप्लाई करूँ, मेरे को ये स्पंज से अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं ऐसे लगता है कि एक ही जगह पे लग गया है प्रोडक्ट. ब्रश से कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फेस के ऊपर एंड आई लाइक यूजिंग ब्रश एंड दिस इज हाउ द मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर लुक्स लाइक. आई एम इन द शेड वॉर्म न्यूड जो कि मेरा स्किन शेड है, मैंने आपको बताया था 128 वॉर्म न्यूड इज माय स्किन टोन शेड फॉर मेबलिन. तो मैंने उसी सेम शेड का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, ना लाइट लिया है ना डार्क लिया है, एकदम प्रॉपर शेड है मेरे लिए. सो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट. अब एक तो हो गया कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं लूज पाउडर जो कि मेरे पास एक भी नहीं था. एक था वो था लैक्मे का रोज पाउडर विच आई डोंट लाइक यूजिंग, क्योंकि उससे पता नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं लगा रही थी ना तो इनकेस अगर पसीना आता है ना तो वो सेट हो जाता था उसके ऊपर एंड एकदम से चौकी चौकी या ऐसे एक अलग सा ही लेयर दिखता था फेस पे, जो अच्छा नहीं लगता है मेकअप के बाद. सो इसीलिए मैंने एक लूज पाउडर लेना समझा एंड विच इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन एंड दिस इज देयर मेबलिन फिट मी लूज पाउडर. बहुत ही अमेजिंग है ये, मैंने इसको ट्राई भी कर लिया है, ये आके सब प्रोडक्ट्स यूज करने मैंने स्टार्ट कर दी है. आई एम इन द शेड 15 लाइट. बहुत अच्छा लगा मेरे को ये प्रोडक्ट, ये इतना अच्छा है कि मतलब मैं इसको अगर ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से लेके अगर लगाती भी हूँ ना तो ये इक्वली सेट हो जाता है और एक तो ऐसे थोड़ा सा एकदम ब्लरी इफेक्ट आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है. ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं कर रहा था मेरे अंडर आई एरिया पे, मैंने इसको फुल फेस पे भी अप्लाई किया था. जैसे थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अगर अंडर आई को बेक कर रहे हो तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा इधर आपके ब्रश के ऊपर या आपके ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर, वो आप अपने फुल फेस पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर सकते हो एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज माई एब्सोल्यूट करंट फेवरेट. अब सब कुछ हो गया फेस के रिलेटेड, मैंने फाउंडेशन बता दिया, इल्यूमिनेटर बता दिया, कंसीलर बता दिया, लेकिन कॉन्टोर के लिए मेरे पास पहले जो मैं यूज करती हूँ अभी भी है मेरे पास, मैं यूज करती थी नायका की कॉन्टोर स्टिक विच इज अ क्रीम कॉन्टोर प्रोडक्ट, पर मेरे पास कभी भी ऐसे पाउडर कॉन्टोर या ब्रॉन्जर नहीं था. तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें एक ही इसमें तीन चीज आ जाए. अब आप सोचोगे कि मैं वो शुगर वाले कॉन्टोर पैलेट की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को इतना वो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वो पैलेट, बट मेरे को प्रॉपर ऐसा चाहिए था कि एक मेरे पास ब्रॉन्जर शेड हो, एक मेरे पास कॉन्टोर शेड हो और एक उसमें हाईलाइटर शेड हो. एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑन नायका आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड आई लव द पैकेजिंग लुक, हाउ क्लासी दिस लुक्स, बहुत अमेजिंग लग रहा है, एकदम रोज गोल्डिश पैकेजिंग है एंड दिस इज के ब्यूटी कॉन्टोर एंड हाईलाइट प्रो पैलेट. बहुत अमेजिंग है, मेरे को इसमें एक बात अच्छी लगी कि लोग ने एक ही पैलेट के अंदर तीन चीजें दे दी है विच इज द कॉन्टोर, द
ब्रॉन्जर एंड दी हाइलाइटर जो कि मुझे चाहिए था। जो वो शुगर वाला पैलेट लोग रेव कर रहे हैं उसमें एक ब्लश का शेड डाल दिया है, एक कॉन्टोर का शेड डाल दिया है, एक लाइटर शेड डाला है, जो कि मुझे लगा कि जिसके पास ब्लशेज है उसको वो डबल डबल हो जाएगा। मेरे को प्रॉपर इनमें से कोई भी नहीं था। अगर आप ये हाइलाइटर शेड भी देखोगे ना तो इसमें कोई ऐसी चंकी ग्लिटर नहीं है, तो आप इसको एज अ अपना बेस भी यूज कर सकते हो। अगर आपका कॉन्टोर थोड़ा डार्क हो गया तो उसको लाइटन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो काफी मल्टीपर्पज लगा मेरे को ये वाला पैलेट, इसीलिए आई चोज दिस वन। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो दीज वर ऑल दी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फेस कैटेगरी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आई कैटेगरी। आई कैटेगरी में मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, जस्ट थ्री ऑफ देम, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आई कैटेगरी इज फ्रॉम द ब्रांड कलर बार, एंड मेरे को ये काफी टाइम से चाहिए था क्योंकि ना मेरे पास सब कुछ है लेकिन ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट नहीं था अपने वैनिटी में जो कि मेरे को काफी टाइम से लेना था। एंड दिस इज द कलर बार ब्रो मस्कारा, विच इज देयर आईब्रो मस्कारा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को एंड काफी यूनिक पैकेजिंग है। दिस इज इन द शेड टॉपे 001। बहुत अमेजिंग लगा मेरे को ये प्रोडक्ट, मेरे पास नहीं था। मेरे पास आईब्रो के लिए आपको पता है मैं आईब्रो के लिए एक आई शेडो है उसको यूज करती हूँ, बिकॉज आई लव हाउ दैट लुक्स ऑन माई आईब्रोज, बट मेरे पास उसके ऊपर उसको सेट करने के लिए कुछ नहीं था। एंड आजकल ब्रो मस्कारा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, एंड मेरे को भी ट्राई करना था कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, इसलिए आई परचेज दिस। दिस इज द कलर बाय ब्रो मी फाइबर मस्कारा एंड आई एम इन द शेड टॉपे 001। ये कुछ ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको ऐसे ट्विस्टी है, उसको ओपन करेंगे तो ये इसकी वॉन्ड है। जैसे नॉर्मल अपना आई का मस्कारा कैसे होता है, ब्लैश मस्कारा, वैसे ही है, बट दिस इज थोड़ा सा स्मॉलर साइज में एंड बहुत प्रिसाइज है, तो अच्छे से ना आपका ब्राउज सेट हो सकता है इसके साथ। एंड इसमें जैसे ये शेड भी ना थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश है ना, तो ऐसे कुछ इसे ऐसे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल लुक आ रहा है, बहुत ही नेचुरल लगता है लगाने के बाद। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस एंड वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस। सो इट इज परचेज फ्रॉम नायका। ये कितने का है, क्या है, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पे आपको पता चल जाएगा। आई एम नॉट श्योर कितने का है ये। सो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद एक प्रोडक्ट मेरे को ऐसे चाहिए था कि जिसको मैं अपने बैग में डाल के ना कैरी कर सकूँ, इनकेस अगर मैं कोई पार्टी या कोई फंक्शन में जा रही हूँ तो मेरे को वो पूरा जैसे आई शेडो पैलेट लेके जाओ वो नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना किसके पास टाइम होता है अभी आई शेडो पैलेट लेके जाओगे तो उसके साथ ब्रशेज भी लेके जाओ, सब कुछ इतना एक बैग में। कहीं आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आप यूजुअली एक छोटा स्लिंग बैग कैरी करते हो, तो आपके पास इतना ऑप्शन नहीं रहता उसमें सब चीजें डाल लो। तो एक प्रोडक्ट मुझे ऐसा चाहिए था जो मैं अपने आई शेडो और आई लाइनर के साथ यूज कर सकूं, एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई फाउंड ऑन नायका ड्यूरिंग पिंक फ्राइडे सेल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को। दिस इज द शुगर का डुओ आई शेडो, ये बहुत अमेजिंग लगा मेरे को। एक साइड आता है इसका आई लाइनर और एक साइड आता है इसका आई शेडो। मैंने ये एकदम न्यूट्रल टोन सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर मैं ज्यादातर कहीं पार्टी वार्टी में भी जाती हूँ तो एकदम न्यूड मेकअप ही करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम अगर कोई ऐसा हैवी कोई फंक्शन होगा तो, अदरवाइज नेचुरल एवरीडे में भी मैं बहुत न्यूड रखती हूँ अपने आप को। तो ये है उनका ड्यूअल आई शेडो। अभी इसका शेड है, दिस इज 07 चिप्स इन सालसा। दिस इज 15 ml का प्रोडक्ट। ये एक साइड जो ये है ये मैट साइड है, तो ये से ट्विस्ट करो आप इसको तो इसके अंदर मैट साइड है और ये उसका ब्रश है, तो इसको आप एज एन आई शेडर, मतलब ये मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी एक वीडियो में, मैं अभी जस्ट बता रही हूँ कि इसको आप ऐसे अप्लाई करना है, आप इसको अपने हाथों से ही स्मच कर सकते हो, ब्रश की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये है एक मैट आई शेडो। एंड जो अगला साइड है इसका, दिस वन, दिस इज देयर मेटालिक आई शेडो, मतलब एक मेटालिक कलर दिया है और एक मैट कलर दिया है। तो ये मेटालिक वाला आप अपने आई लाइनर जैसे भी अप्लाई कर सकते हो, या आपको सेंटर में अगर थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट देना है या ऐसे मेटालिक इफेक्ट देना है तो उस पर आप लगा के अपने हाथ से स्मच कर सकते हो सेंटर ऑफ द लिड में। बहुत अच्छा लगता है गाइस ये वाला डुओ, मैंने ट्राई किया हुआ है, मेरे को बहुत एकदम न्यूड सा एकदम फ्रेश लुक आता है ये यूज करने के लिए, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइस, इसीलिए मैं ये इसको आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा ये मेरे को। इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, अगर आपको थोड़ा कलरफुल में भी जाना है ना तो आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं प्राइस एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, लिंक भी मैं इसका दे दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम द आई कैटेगरी। सो द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम आई कैटेगरी इज दिस ब्यूटिफुल ग्लिटर आई शेडो पैलेट। ग्लिटर एज इन प्रेस्ड ग्लिटर है, मेरे पास प्रेस्ड ग्लिटर करके कोई भी पैलेट नहीं है। एक है मेरे पास कलरफुल पैलेट, बट वो कौन से ब्रांड का है क्या है आई एम नॉट श्योर, तो वो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ वीडियोज में बिकॉज आई एम नॉट श्योर, उसका कोई लिंक भी नहीं है मेरे पास, तो ऐसे ही मेरे को कुछ भी नहीं दिखाना होता है। जो कि मैं ट्राई करती हूँ और मैं यूज करती हूँ वो मैं दिखाना प्रेफर करती हूँ। सो ये एक प्रोडक्ट ऐसा मैंने परचेज किया था जो कि नायका लक्स कैटेगरी में आता है, विच इज फ्रॉम द ब्रांड पिक्सी, एंड दिस इज पिक्सी बाय पेट्रा का
प्रेस्ड ग्लिटर आई शेडो पैलेट. बहुत ही अच्छा मेरे को लगा ये पैलेट, क्योंकि इसमें है सारे गोल्ड रिलेटेड शेड. एक आता है सिल्वरिश गोल्ड, एक आता है प्रॉपर गोल्ड, एक आता है थोड़ा ब्रॉन्जी गोल्ड, और एक आता है वाइटिश गोल्ड में. तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये पैलेट. और एंड गोल्ड एक ऐसा ग्लिटर आई शेडो होता है ना, जिस अब जब कोई भी आई लुक करो, अगर उसके ऊपर आपने गोल्ड से एक टॉपअप या थोड़ा सा प्रेस्ड ग्लिटर लगा देती है ना, वो आपके लुक को फ्रॉम 0 to 100 लेके जाता ही है. बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसा. मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है, ये फुल्ली पैक्ड है तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं डेफिनेटली इसको एक कोई ना कोई वीडियो में जरूर हम इसको ट्राई करेंगे. मेरे को बहुत अच्छा लगा. आप देख सकते हो कितने अमेजिंग शेड्स है इसके अंदर. एंड दिस इज अ लिटिल बिट ऑन अ प्राइसियर साइड, तो इसका भी एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आई कैटेगरी. सो अब चलते हैं मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स जो कि मेकअप रिमूव करने के काम आता है, एंड फेस वॉश एंड शावर जेल, छोटे छोटे मिनीज आई हैव गॉट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू शो यू गाइस इज दिस पैक ऑफ कॉटन पैड्स, जो कि मैंने परचेज किया था फ्रॉम नायका. ये नायका के ही ब्रांड का है. दिस इज नायका स्किन सॉफ्ट प्रीमियम कॉटन पैड्स. ये बेसिकली यूज होता है मेकअप रिमूव करने के लिए, मैंने इसको परचेज किया है. कॉटन पैड्स मैं पहले भी यूज करती थी, एंड बट मेरे पास ना ऐसे कोई अच्छा क्वालिटी का नहीं था. उसमें से ना कैसे होता था, अगर मैं उसको यूज करती थी ना, तो ये कॉटन पैड में कैसे ये थोड़ा सा कॉटन होता है ना, तो वो कभी कभी फेस के ऊपर चिपक जाता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था रिमूव करने के टाइम मेरे को, फिर वो कॉटन अलग से रिमूव करना पड़ता था. तो दैट वाज अ डबल वर्क. इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार ना थोड़ा अच्छा वाला परचेज किया जाए, तो मैंने ये बार नायका का परचेज किया. इसको मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है कैसा है. सो इसमें 80 पीसेस है, मैंने जस्ट चेक किया, यहाँ पे लिखा है इट हैज 80 पीसेस. तो 80 पीसेस काफी टाइम चल जाएगा मेरे को. मैं इतना ज्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, तो आराम से मेरे को 6-7 महीना तो निकल ही जाएगा, और मे बी मोर देन दैट, ईयर भी निकल सकता है इसमें. तो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई परचेज फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी. सो कॉटन पैड्स है, तो मेकअप रिमूव करने के लिए भी हमको कुछ चाहिए. तो ये मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मैं इसको परचेज कर रही हूँ. इसके पहले मैंने इसको कभी ना यूज किया है ना कभी परचेज किया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है. दिस इज द गार्नियर का माइसिलर क्लेंजिंग वाटर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें एक वेरियंट आता है जो की आता है ऑयल फ्री वाला, जो कि वाटरप्रूफ मेकअप निकालने के काम आता है. एंड ये वाला है, ये नॉर्मल मेकअप निकालने के काम आएगा. तो मैंने वो वाटरप्रूफ वाला नहीं लिया. मैं पहले सोचा क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इस पे लिखा था इवन फॉर सेंसिटिव स्किन, इसलिए मैंने इसको परचेज किया. आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, बट स्टिल आई हैव परचेज्ड इट. देखते इसको, मैंने अभी तक इसको भी यूज नहीं किया है, तो जब हम इसको यूज करेंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. दिस रिमूव्स मेकअप, क्लेंजेस एंड सूदेस, नो रिंस ऑफ. फेस, आईज, लिप्स पे ये काम कर सकते हैं, एंड दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इसलिए देखते हैं अब ये कैसे काम करता है. इसका भी सब एवरीथिंग आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज दिस रिटेल्स फॉर 200 rupees, बट आई एम श्योर नायका पिंक फ्राइडे सेल पे मैंने इसको डिस्काउंट में ही लिया है, तो मैं रेट आपके साथ शेयर कर दूंगी. एंड ये 125 ml का है, तो येस इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर मी एटलीस्ट. मेकअप रिमूवर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा एक परचेज किया जाए. सो दिस इज इट. So the next item that I purchased from Nykaa was an absolute fail. I did not like this product at all. किस क्या सोच के बना लेते हैं, मतलब यार बना रहे हो एटलीस्ट उसका थोड़ा तो काम आना चाहिए. वो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इसको परचेज ही क्यों किया जब इसका कुछ काम ही नहीं आता है. जिसपे जैसे इस पे लिखा है इट्स अ नेल पॉलिश रिमूवर, मैंने इसको लगाया हाथ में और ये कोई काम का नहीं आया. मेरे को ऐसे लिटरली घिस घिस के निकालना पड़ रहा था, एंड तब जाके थोड़ा बहुत निकला है, एंड उसके बाद भी थोड़े बहुत स्टेन्स थे नेल पॉलिश के मेरे नेल्स के ऊपर. तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट. मैंने सोचा पहले आपके साथ शेयर ही नहीं करती हूँ, बट नहीं, आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी ये परचेज करोगे तो आपको श्योर रहना है कि ये किसी काम का नहीं लगता है मेरे को प्रोडक्ट, तो आप इसे मत खरीदिए. ऐसा मेरा ये है. अगर आप वर्क करता है तो मे भी पता नहीं मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया या क्या, आई डोंट नो, बट दिस फॉर मी डज नॉट वर्क. एंड दिस इज दी प्लम का नेल पॉलिश रिमूवर. बॉटल बहुत क्यूट लगता है, दिखने में बहुत अच्छी है, पर्पल पर्पल बॉटल है, बट इट्स ऑफ नो यूज. मैंने इसको एक ही बार यूज किया, मेरी नेल पॉलिश निकल ही नहीं रही थी लिटरली, एंड आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल. दिस इज एन एब्सोल्यूट फेल. सो जैसे मैंने इतनी सारी चीजें परचेज की थी ना नायका से, तो उसमें मेरे पास आए थे फ्री मिनीज के गिफ्ट्स नायका के बॉक्स में, विच वॉज दीज टू आइटम्स. अब ये फर्स्ट आइटम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अगेन फ्रॉम द ब्रांड है प्लम. आई एम नॉट श्योर अब ये कैसे काम करेगा. दिस इज प्लम बॉडी शावर जेल, इट स्मेल्स डिलीशियस. इसको मैंने देखा, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था ये, एंड दिस इज हाउ द क्यूट मिनी बॉटल शावर जेल लुक्स लाइक. ये अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब अगर कहीं बाहर चली गई मैं, कहीं घूमने वूमने चले गए, तो आराम से बैग में या स्लिंग बैग में भी डाल के आप इसको लेके जा सकते हो. बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में. तो ये चलो अगर काम नहीं भी किया तो शावर जेल है, कुछ तो काम करना
करना ही चाहिए. अब ये भी काम नहीं करेगा तो फिर दिस इज ऑफ नो यूज. आई फील दिस ब्रांड इज ओनली ऑफ नो यूज देन. तो ये है मिनी शार्जल, इसको हम जरूर रिव्यू करेंगे. एंड इसके अलावा द सेकेंड आइटम दैट आई गॉट एज अ फ्री गिफ्ट वॉज दिस नायका नेचुरल्स का, दिस इज देयर एप्पल साइडर विनेगर एंड जिंजर शैम्पू. कितना क्यूट है यार ये, क्या मस्त है, मतलब एकदम पिंकी विंकी. इसको भी मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है एंड देखते हैं अभी इसको ट्राई करके कैसे यूज होता है. ये पूरा पैक्ड ही है, आप देख सकते हो यहाँ से फुल पैक्ड है. इसको मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है, बट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है ना, इसको मैंने ऐसे ही रखा है. अगर कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, बाहर जाना होता है, या कभी हम लोग इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो बैग में रहने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसको इसलिए मैंने यूज नहीं किया. जब बाहर कहीं जाएंगे तो हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो ये थी सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी. अब मैंने एक्चुअल में बोलूँ ना तो मैंने लिप्स के लिए कुछ मंगाया नहीं है, क्योंकि मेरे को कोलैबोरेशन में इतनी सारी लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉसेस और लिप क्रीम्स ये सब आती रहती है. तो मैंने सोचा कि क्यों खाली फुकट जाके, जब आता है तो क्यों जाके वेस्ट करना है पैसे लिपस्टिक्स के ऊपर. तो मैंने नहीं मंगाई है, बट आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक दो ऑप्शंस जो कि मेरे करंट फेवरेट है और मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला लिपस्टिक्स लगाना, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. वरना मैं कोई मैंने ऐसे आज सच कुछ मंगाया नहीं है नायका से. सिंस इंस्टाग्राम पे ये सब के ऑलरेडी रील्स सब चले जाते हैं जो भी मैं कोलैबोरेशंस आते हैं, बट यूट्यूब पे मैं इतना डालती नहीं हूँ कोलैबोरेशंस, क्योंकि वो कोलैबोरेशन सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होते हैं. सो इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी राइट नाउ, क्योंकि वहां पे कॉन्टेंट अलग ही चलता है एंड यूट्यूब पे कॉन्टेंट काफी अलग चलता है. तो दोनों जगह पे मेरा कभी भी आपको ऐसे रेपिटेटिव नहीं दिखेगा कि जो मैं इंस्टा पे डाल रही हूँ वही मेरा यूट्यूब पे आ रही है, या मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ वो मैं इंस्टा पे डाल रही हूँ. स्टोरीज मैं डेफिनेटली सब जगह पे शेयर करती हूँ, लेकिन कॉन्टेंट जो मेन होता है देखने के लिए वो सब आपको डिफरेंट दिखेगा यूट्यूब पे एज वेल एज इंस्टाग्राम पे. सो प्लीज आप जाके दोनों जगह पे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो. एंड द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू शो यू इन लिपस्टिक कैटेगरी इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम मामा अर्थ. ये बहुत ही अमेजिंग है, एकदम लिप्स पे ना बहुत एकदम सॉफ्ट है, मतलब अलग ही टेक्सचर है इसका. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड दिस शेड इज माय करंट फेवरेट. इसको जैसे ही आप ओपन करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आता है. देखो अभी जैसे इसको ओपन किया ना, अपने आप ऐसे ऊपर आ जाएगा लिड. तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड. आई जस्ट वॉच इट. ये देखिए बहुत ही अच्छा पिंकी न्यूड शेड है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा लिपस्टिक का. एंड बिल्कुल भी ना आपके फेस को या लिप्स को ऐसे एकदम ड्राई नहीं करेगी. इसको आप एज अ ब्लश भी लगा सकते हो, दो तीन ड्रॉप्स डाल के आप इसको पैट करो एंड ये सेट हो जाएगा. काफी अच्छा यूनिक आइटम है, इसको एज एन आई शेडो, एज अ ब्लश एंड एज अ लिपस्टिक, तीनों जगह पे आप यूज कर सकते हो. इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा है. अगर आपको ब्लश वगैरह अलग से कैरी नहीं करना है, एक लिपस्टिक कैरी करो. और ये ऐसा शेड है जो ब्लश और आई शेडो और लिपस्टिक पे तीनों पे अच्छा लगेगा. सो आई एम इन द शेड 02 रोजी न्यूड एंड काफी अच्छा शेड है ये, मेरा करंट फेवरेट है. तो दिस इज द फर्स्ट लिपस्टिक दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, माय एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड सेम लिपस्टिक में, सेम लिप सीरम में देयर इज अनदर शेड व्हिच इज दिस वन. एंड ये है थोड़ा सा ब्राउनी शेड में, जिसको ब्राउन्स अच्छे लगते हैं, जैसे मेरी मॉम शी इज अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ ब्राउन कलर्स, तो उनको ब्राउन कलर की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है. ब्राउन, पिंक्स, ये सब मम्मी का फेवरेट है. तो ये स्पेसिफिकली मम्मी काइंड ऑफ शेड है, तो मम्मी के लिए यूज कर सकती है. और इनकेस अगर ये चैनल पे कोई मॉम देख रहा है और उनको ब्राउन कलर पसंद है, तो इसलिए मैंने ये एक शेड ये वीडियो में डालने का सोचा. दिस इज 08 चॉकलेट ट्रफल, बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड है. सो ये शेड है ब्राउन, बहुत ही प्रिटी ब्राउन शेड है. मतलब आप अगर देखोगे ना, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छा लगता है दोनों शेड लिप्स पे लगाने के बाद. ब्राउन कलर भी ऐसा है, अगर आप इसको थोड़ा सा, आपको अगर इसको भी आई शेडो और इसकी जगह यूज करना है तो थोड़ा सा आप कंसीलर लो, उसमें थोड़ा सा ये ब्राउन कलर को डिप करो, सिर्फ डिप करना है, और आप उसको पैट करो अपने चीक्स पे, तो एकदम आपको सॉफ्ट ब्राउन कलर का ब्लश काइंड ऑफ इफेक्ट मिलेगा. बहुत अच्छा लगता है, मैंने ट्राई किया हुआ है एंड काफी अच्छा लगता है. ट्राई करती हूँ, इसे आपसे शेयर करती हूँ सो दैट आप भी ट्राई कर सको और आपको भी लगे कि हम इसको मल्टीपर्पज वेज में यूज कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव परचेस्ड फ्रॉम नायका ऑन द बिग फ्राइडे सेल. काफी ज्यादा ये सेल लगती रहती है नायका पे, कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं. सो आप कभी भी जाके ये सब चेक कर सकते हो. आई एम नॉट प्रमोटिंग कि सब जाके, जिसको नहीं जरूरत है वो भी सब जाके खरीदे, ऐसे मैं कभी नहीं बोलती हूँ. अगर आपको जरूरत है तो लो, नहीं है तो मत लो. एंड या आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइज, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैंने क्या क्या लिए है, कौन सी चीज के लिए है, किस चीज में इसकी हेल्प हो सकती है एंड कैसे हम इसको मल्टीपर्पज वेज में यूज कर सकते हैं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. If you like this video, don't forget to hit like, share and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and I'll see you guys next time. Bye!